एमएस वर्ल्ड से टोटल 30 एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे हॉस्टल वार्डन लेबर इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रही बात लेबर इंस्पेक्टर के जिसका एग्ज़ाम 24 जून को होने वाला है, यानी कि आपके पास 3 से 4 दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा, क्या पता आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम एमएस वर्ल्ड से। एमएस वर्ल्ड का मतलब होता है, एमएस वर्ल्ड जो वगैरह में कॉपी वगैरह करते हैं, जो शब्द वगैरह टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, वहाँ से 2 से 3 नंबर आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस से, एमएस ऑफिस से अभी हमने क्वेश्चन देखा है जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, जिसका 2 से 3 प्रश्न आया हुआ है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का, जिसका एमएस वर्ल्ड से क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट की के रूप में। शॉर्ट की कुंजी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहली बार आए हैं तो जाइए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर पार्ट वन वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टोटल 30 एमसीक्यू देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं फटाफट आपको आंसर करा दे रहा हूँ, ठीक है। पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है, तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करोगे तो आपका कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, आपको जस्टिफाई करने के लिए। सेकंड है, पैराग्राफ को सेंटर में लेने के लिए शॉर्टकट की है, तो पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए जो शॉर्टकट की है ना, कंट्रोल प्लस जो सेंटर में लाते हैं, कंट्रोल प्लस आपका ई हो जाएगा, ठीक है, जो कंट्रोल प्लस ई होगा शॉर्ट के सेंटर में लाने के लिए। नेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, तो देखिए जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट का मतलब होता है शब्द, लिखने की क्रिया है ना, तो शब्द में कलर को देना और शब्द को अंडरलाइन करना बिल्कुल सही है, शब्द के फॉन्ट को बदलना बिल्कुल सही है। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कलर देना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सभी आपके टेक्स्ट में आता है। तो शब्द को बोल्ड करना, इटैलिक करना, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा और बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे कि देखिए मैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है ना, ये क्या है, बोल्ड है, ठीक है। उसी प्रकार इटैलिक क्या होता है, तो इटैलिक आपका इस प्रकार होगा, ये वाला, समझ में आया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पेज फॉर्मेटिंग क्या है, तो पेज फॉर्मेटिंग आपका हो जाएगा, पेज फॉर्मेटिंग का मतलब है कलर देना, रो और कॉलम देना, पेज हेडर फुटर देना, हेडर फुटर देना, उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी। नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या होता है, तो डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या होता है, कमेंट बॉक्सों में बताइए। एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या होता है, प्रोटेक्ट वेबलेटेड या लैंड स्पेस या फुल स्क्रीन, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, प्रोटेक्ट, ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सी होना चाहिए। एमएस वर्ल्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए, देखिए अगर आप लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हो एमएस वर्ल्ड स्पेलिंग, तो डायरेक्ट आप F7 ना लगाइएगा, क्या पूछा गया आगे और भी पढ़िएगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। एमएस वर्ल्ड में स्पेलिंग चेक करने तो किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है पूछा गया, ना कि आपको चेक करने के लिए ग्रामर पूछा गया है। अगर आपको ग्रामर पूछता, ठीक है, ग्रामर पूछता तो आप F7 लगाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है तो ऑप्शन में क्या करोगे पता है आपको, स्पेलिंग चेक डालोगे, स्पेल चेक, स्पेलिंग ही है ना, स्पेल चेक है वो, आंसर बी होगा। अगर देखिए स्पेलिंग में अगर ग्रामर पूछता, ग्रामर चेक करने के लिए F7, जबकि ऑप्शन के लिए स्पेल चेक होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइएगा, एमएस वर्ल्ड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, अंडरलाइन करने के लिए ना, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा कि एमएस वर्ल्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे कि हम बी लिख दिए, अब उसको अंडरलाइन कर दिए, तो किससे अंडरलाइन, कौन सा शॉर्टकट की है, तो आपका कंट्रोल प्लस यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ल्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि अगर आपका एक फाइल है,
फाइल में अगर ये होम मेन्यू में चले गए, होम है ये डिस्कन, ये पेज नीचे दिया रहता है, तो इसमें पेन को ऑप्शन लाने के लिए, एक मिनट ना, पेन को ऑप्शन लाने के लिए, सिलेक्शन में आने के लिए ऑब्जेक्ट में क्लियर करना पड़ता है। एमएस वर्ल्ड में स्पेलिंग देखिए यहाँ पर अब पूछा गया, अब स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का आप डालिएगा F7 है ना, अगर उसी के जगह ग्रामर के जगह आप ऑप्शन पूछता तो क्या डालते हैं, स्पेल प्लस चेक, यानी कि स्पेल चेक ही होता है उसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया, ग्रामर, तो ग्रामर के लिए F7, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। एमएस वर्ल्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल, देखिए याद रखिएगा, एमएस वर्ल्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल, मान लीजिएगा ये आपका एक फाइल है, उसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरा फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक फाइल को दूसरी फाइल में जोड़ने के लिए हाइपरलिंक की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सी होगा, ठीक है। क्या होगा, सी होगा। एमएस वर्ल्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है, अब रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए कहता है कंट्रोल प्लस जे, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी कहता है कंट्रोल प्लस ओ, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी कहते हैं कंट्रोल प्लस एच, एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपका शॉर्टकट की है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार वीडियो को बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके पास 2 से 3 दिन बचा हुआ था जो कि ये एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम आपको 24 जून को होनी है और 30 जिलों में आयोजन किया गया है, ठीक है। 30 जिलों में आयोजन किया गया, यानी कि आपको 5 संभाग पहले दिया गया था, लेकिन अभी लेबर इंस्पेक्टर में 2.50 यानी कि 2.5 लाख से अधिक फॉर्म आया हुआ है। इसी कारणवश अभ्यर्थी की संख्या को देखते हुए 30 जिलों में आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आप सभी लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। एग्ज़ाम में 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कंप्यूटर से, ठीक है। बाकी का और भी अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ इंडियन का, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर एच आएगा, कंट्रोल प्लस एच। एमएस वर्ल्ड में टेक्स्ट को सेंटर करने की जो शॉर्टकट की होती क्या होती है, तो देखिए जो शॉर्टकट की होती है, क्या बोले, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस ई देखते हैं आंसर होना चाहिए। एमएस वर्ल्ड में नया पेज लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, पूरा देखिए मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ ना, एक बार बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। एमएस वर्ल्ड में नया पेज लेने की जो शॉर्टकट की है, अब नया पेज लेने की जो शॉर्टकट की है आपका, कंट्रोल प्लस इंटर करोगे तभी तो आपका शॉर्ट, देखिए एमएस वर्ल्ड जैसे आप चला रहे हो तो उसमें नया पेज लाना है तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस इंटर कर दो ना, डायरेक्ट फट से आ जाएगा। एमएस वर्ल्ड में एक्सेल प्रिंट व्यू देखने के लिए प्रिंट व्यू हमेशा किससे देखते हैं, F2, तो F2 किस में आता है, कंट्रोल प्लस F2 में, फोल्डर को प्रीव्यू करने के लिए, एक्सेल में प्रीव्यू करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F2। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, अब सेव करते हैं ना, तो कंट्रोल प्लस S या कंट्रोल प्लस डबल S, कंट्रोल प्लस P या कंट्रोल प्लस T, तो कंट्रोल प्लस एस होना चाहिए सेव करने के लिए, ठीक है। ए का प्रयोग किया जाता है तो एस आएगा। एमएस वर्ल्ड में प्रिंट निकालने की जो शॉर्टकट की होती है, प्रिंट निकालते हैं ना, तो क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फटाक से बताइएगा। इसका आंसर बिल्कुल पी होना चाहिए, है ना, प्रिंट करने के लिए पी। एमएस वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट या फाइल को परिवर्तन की निगरानी के लिए फंक्शन या ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। फॉर्मेट कंटर, ट्रैक चेंजेस, मार्क इस फाइनल, उपरोक्त सभी, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, तभी आप लोग रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अंतिम शेष तैयारी कर लें। बिल्कुल इसका आंसर ट्रैक चेंजेज होगा। आप समय टाइपिंग के लिए बताइए, आप सामान्य टाइपिंग का जो कार्य होता है, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल, वर्ल्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, इसका आंसर होना चाहिए एमएस वर्ल्ड, जो कि आपका एप्लीकेशन है।
एमएस वर्ड में फाइंड फंक्शन क्या होता है, फाइंड माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो शब्द टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं या शब्द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, शब्द टेक्स्ट को बदल सकते हैं, शब्द टेक्स्ट को खोज सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, खोजने की जो प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है ना। तो चलिए, एमएस वर्ल्ड में मेनू बार को इनमें कौन सा टैब नहीं होता, इंसर्ट, पेज लेआउट, एनिमेशन या व्यू? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि एमएस वर्ल्ड के मेनू बार में कौन सा टैब नहीं होता। तो इसका आंसर चलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बिल्कुल एनिमेशन होगा। एमएस ऑप्ट में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या बोला गया, एमएस में ऑब्जेक्ट पूछा गया, शेप और बी इमेज दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे हम ऑब्जेक्ट को शेप करते हैं या इमेज दिखता है आपको, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट में ही आएगा। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के पेज को कंपनी का नाम पता लिखने से आप फंक्शन उपयोग करेंगे, मेल, बॉर्डर, फॉर्मेटिंग, तो इसका आंसर बिल्कुल हेडर फुटर होगा। एमएस वर्ल्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो जो एमएस वर्ल्ड है कौन सा कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है ना, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल डी होगा। एमएस वर्ल्ड किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आपका होगा हिसाब किताब का, है ना, क्योंकि एम एस वर्ल्ड क्या कर सकता है, डिजाइन कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, है ना, यही काम आएगा हिसाब किताब करने के लिए, तो एक्सेल वगैरह में जाना पड़ेगा। एम एस वर्ल्ड में एक बार में सभी कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा शॉर्ट की है, एक बार में सिलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताओ कंट्रोल प्लस के, एल, एम या ए। जब भी हम पूरा सेलेक्ट करेंगे ना, रो पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है हमको, तो कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे तभी तो आपका होगा। एमएस वर्ल्ड के अंदर ही में कौन सा फंक्शन पाया जाता है, तो एमएस वर्ल्ड के अंदर कौन सा फंक्शन पाया जाता है, हेडर फुटर तो पाया ही जाता है, मेल मर्ज भी पाया जाता है, बुक मार्क का भी होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी, ठीक। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट लेवल को देखने के लिए उसमें परिवर्तन अनुमति करता है, मार्क ASS5, है ना। एमएस वर्ल्ड के अंदर कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता, इसका आंसर बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, इसका आंसर डी होना चाहिए ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ल्ड के अंदर माइक्रो फंक्शन किस मेनू बार के अंदर मिलता है, तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या व्यू। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी दो से तीन दिन बचा हुआ है ना आपका लेबर इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम, 3 से 4 दिन है, तो 3 से 4 दिन में एक और वीडियो लेकर आऊँगा कंप्यूटर का, जिसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो वीडियो आपको देखना है कि नहीं देखना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखिएगा कि सर नेक्स्ट पार्ट हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जाइएगा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास का इंतजार करते रहिएगा, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।